अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बेस्ट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवो V20 की, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। इस मोबाइल फोन को बहुत तेजी के साथ फेम मिला है और मंथली गूगल के ऊपर ये मोबाइल फोन 2 मिलियन तक सर्च भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत तेजी के साथ सेल आउट हुआ है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन की और इसके क्या अहम फीचर है जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन बहुत तेजी के साथ सेल आउट हो रहा है, और साथ ही बात करेंगे इस मोबाइल फोन की प्राइस इसकी स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाइज करती है या नहीं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो V20 के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर बात करें मल्टी टच की तो यहाँ पर आपको 16 पिक्सल के कलर भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको 1080 की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोनी गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं वीवो V20 के कैमराज की। तो बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमराज का सेटअप नजर आएगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड नंबर पे आपको 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा और नंबर 3 पे जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो अगर बात करें मेन कैमरास के फीचर की तो यहाँ पर आपको डबल LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट पे आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप मेन कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ आपको वीवो V20 पे सुपर नाइट मोड भी देखने को मिलेगा जो आपको अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियोस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर वीवो ने कैमरास के ऊपर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया है, जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूनिक होता जा रहा है। इस मोबाइल फोन का रिजल्ट बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो गाइस, अगर आपको कैमरा मोबाइल फोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के इंटरनल की। तो यहाँ पर आपको 8GB रैम के साथ 128GB की रोम देखने को मिलेगी, और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगी वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G की चिपसेट है, जो आपको 730 का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी। बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा मूड भी गेमिंग का देखने को मिलेगा, जिससे सब ज्यादा कहीं आप इस मोबाइल फोन पर इजिली गेमिंग कर सकते हैं। कोई भी हैवी गेम इस मोबाइल फोन पर आप रन करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको इस मोबाइल फोन पर गेमिंग के लिहाज से भी कोई डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर बात करें वीवो V20 के फिंगरप्रिंट की तो इस मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, और साथ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इस मोबाइल फोन पर देखने को मिलेगा, जो की अच्छी बात है, अच्छा फीचर यहाँ पर वीवो की कंपनी ने एड किया है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप वीवो मोबाइल फोन लवर्स हो, वीवो के मोबाइल फोन को पसंद करते हो, तो ये मोबाइल फोन आपके लिए बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। आप इस मोबाइल फोन को आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगी वो इस मोबाइल फोन की चिपसेट है, क्योंकि काफी कंपनीज 35 और 40,000 के अराउंड अबाव 888 स्नैपड्रैगन की चिपसेट दे रही है। तो यहाँ पर वीवो को थोड़ा सा काम जरूर कर लेना चाहिए था, यहाँ पर एटलीस्ट 888 स्नैपड्रैगन की चिपसेट होनी चाहिए थी। और साथ मुझे जो एक और चीज अच्छी नहीं लगी वो इस मोबाइल फोन के नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है, ये मोबाइल फोन 5G को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इन दो स्पेसिफिकेशन के अलावा मुझे बाकी तमाम इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आप इन दो स्पेसिफिकेशन पर कम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको जरूर इस मोबाइल फोन को बाय करना चाहिए। ओवरऑल ये मोबाइल फोन एक कम्प्लीट मोबाइल फोन है, आप इसको बाय कर सकते हैं और इस मोबाइल फोन पर इत्मीनान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V20 प्रो के बारे में, जो आपको कल इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोबाइल के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।